हाय गाय, दिस इज आशीष एंड यूर वॉचिंग हिंदी टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके जितने भी शिंको टीवी के डाउट्स है, जो आपने मेरे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया है शिंको 55 इंच 4K टीवी के बारे में, पूरे क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में आंसर देने जा रहा हूँ। क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उन सब क्वेश्चन का तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मगर मैं आपके कमेंट को अपने वीडियो के माध्यम से मैं बता जरूर सकता हूँ कि इसका आंसर ये होगा या इसका उपाय ये होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह रवि कुमार जी का है। इन्होंने पूछा है कि भाई, ये शिंको टीवी कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शिंको टीवी है वो अमेजोन इंडिया से मिलेगा, और प्लस आपको पेटीएम मॉल से भी मिल जाएगा। आप दोनों से ही आप ये शिंको टीवी आप परचेस कर सकते हैं। कभी कभी अमेजोन में ये अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप थोड़ा टच में रहिए अमेजोन ऐप में। जैसे ही अवेलेबल होगा, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये पूछा है प्रशांत कुमार जी ने। इन्होंने ये बोला है कि प्लीज़ इंस्टॉल एंड प्ले सम लाइट गेम्स एंड शो सम साइड लोडेड ऐप्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसमें लाइट गेम तो अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया, मैंने गेम तो मेरे को इसमें खेला ही नहीं, और साइड लोडेड ऐप भी मैंने इसमें इंस्टॉल अभी तक किया नहीं। तो जैसे ही मैं दोनों ही चीज़ अपने टीवी में इंस्टॉल करूँगा, उसी समय एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें लाइट गेम वाले जो गेम है वो प्ले हो पाते हैं कि नहीं। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं जल्द ही इसका वीडियो अभी लाने वाला हूं अपने चैनल पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन में पूछा है आसिफ के ने, इन्होंने पूछा है भाई, HDR के बारे में बताओ, क्या प्लेस्टेशन 4 HDR में चलता है इस टीवी पर? अगर चलता है तो मैं इस टीवी को ज़रूर ले लूँगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लेस्टेशन 4 पे HDR चलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये टीवी लेने के लिए, तो मैं तो आपको यही फुली करूँगा, रिकमेंड करूँगा, आप आग पंख करके ये टीवी ले सकते हैं। प्लेस्टेशन 4 को इस टीवी के साथ कनेक्ट करके हाई एंड गेम का आप काफ़ी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलते हैं अपने और अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वह अनंता जी का है। इन्होंने ये लिखा है, रियली यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब सर, शिंको वाज लेस नो ब्रांड बट आफ्टर यूजिंग एवरीबॉडी इज लविंग इट एंड यू वर्क एप्लीकेबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डे यू हैव अपलोड ए वीडियो अबाउट इट फीचर, मे गॉड ब्लेस यू सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, मैं केवल यही आप लोग को दिखाने जा रहा था कि अगर आपका बजट 35 से 40 हज़ार के बीच में है और एक आप वैल्यू फॉर मनी टीवी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो इसकी टीवी की जो प्राइजेस है वो अभी धीरे धीरे कम होगी। आज से अगर हम 5 से 6 महीने पहले की बात करूँ, तो अगर आप एक 55 इंच का 4K टीवी अगर आप लेने जा रहे थे, तो उस समय उसका जो प्राइस था वो 50 हज़ार से कोई कम टीवी थी ही नहीं इस प्राइस रेंज में। मगर जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, वैसे जो उसकी प्राइस है वो कम होती थी। अब उसमें से हमको ढूंढ के निकालना है कि उसमें से हमको कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट हमको मिलेगा जो वैल्यू फॉर मनी हो। ये टीवी मेरे को बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक तो ये 55 इंच तो है ही, क्योंकि इसमें VA पैनल के साथ में DLED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। अगर आप एक 4K टीवी ले रहे हो, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपका जो आप परचेस करने जाओगे कोई भी टीवी, चाहे वो शिंको ले लो, चाहे आप सैमसंग ले लो, चाहे LG ले लो, बस उसका आप ये ध्यान दीजिए कि उसका पैनल होगा भाई VA पैनल होना चाहिए, और उसके VA पैनल के पीछे DLED की पूरी लाइट लगी होनी चाहिए। क्योंकि DLED में क्या होता है कि जो उसकी लोकल डिमिंग एक ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है कि जो डार्क सीन में जो उसकी लाइटें हैं वो पूरी बंद हो जाती है, और जहाँ पे लाइट सीन होते हैं उसमें लाइटें जल जाती है। तो उसमें आपको जो कलर का जो कॉन्ट्रास्ट होता है और जो वीडियो की जो स्केलिंग होती है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी और बेहतर बन जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया। अब चलते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। तो दोस्तों, हर्षा जी ने पूछा है कि इसका ऑर्डर हम कौन सी वेबसाइट पे करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप अमेजोन और पेटीएम दोनों से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, मगर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अमेजोन से ही करें, क्योंकि उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वे पेटीएम से लाख गुना अच्छी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो ये पूछा है अमित यादव जी ने, इन्होंने ये पूछा है भाई ये टीवी ऑफलाइन तो है नहीं, प्लीज़ इसमें जो कमी है उसे भी बताओ। इसमें कोई कमी तो अभी तक तो मेरे को इतनी खास कमी दिखी नहीं, बस हाँ बस एक कमी ये दिखी है कि जब आप कोई ऐप चलाते हुए फिर जब बैक आप जाते हैं तो हल्का सा वो थोड़ा टाइम डिले लेता है, तो वो टाइम इसलिए डिले लेता है क्योंकि जो उसकी रैम है वो रैम है 1 GB की है, तो इसकी वजह से हल्का सा वो टाइम आपको इतना महसूस नहीं होगा। आपको तो केवल उसमें टीवी वॉच करनी है, कोई आपको उसमें गेम या कोई हैवी एंड को बोले गेम तो थोड़ा ना खेलना है, या कोई उसमें कोई शॉपिंग ऐप थोड़ा ना खोलनी है। आपको केवल मोटा मोटा काम होगा, या तो आप उसमें यूट्यूब प्ले करके देखेंगे, या उसमें हॉटस्टार प्ले करके देखेंगे, या आपने टीवी देखेंगे। यही जो 3-4 ऐप है वे इसमें ऐप बिल्कुल मक्खन की जल्दी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेजोन प्राइम हो, चाहे वो हॉटस्टार हो, वे यूट्यूब हो, ये 4 ऐप तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। तो आप टीवी में इन 4 ऐप से ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कोई बड़ी कमी मेरे को दिखेगी तो मैं पक्का वे वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करूँगा और आप फिर आप जान पाओगे कि वे कमी है क्या। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये पूछा है अमित जी ने, इन्होंने लिखा है कि एक वीडियो सीपीयू जेड ऐप का भी बनाओ, मतलब कि ये बोलना ये चाहते हैं कि आप टीवी में सीपीयू जेड एक ऐप होती है जिसमें पूरे उस फ़ोन का हार्डवेयर का पूरा उसमें बायोडाटा आ जाता है कि इसमें चिपसेट कौन सा लगा है, इसकी रैम क्या है, इसकी रोम क्या है, वो पूरा इसमें डिटेल आ जाता है। तो मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। ये वाला ऐप तो उसमें तो है नहीं प्ले स्टोर में, उसके मैं इसको साइड लोडेड ऐप के माध्यम से इसको मैं करूँगा ओपन, फिर वहाँ से आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा कि इसका जो हार्डवेयर है वो एक्चुअल में वही है जो कंपनी बता रही है। तो जस्ट आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बना के पक्का डालूँ। हमारा जो अगला कमेंट किया है राजीव कुमार जी ने, इन्होंने ये पूछा है कि सर इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल लेवल ऑप्शन कहाँ है, टीवी में मुझे मिल नहीं रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टीवी में जो ब्राइटनेस वाला जो कंट्रोल है, अगर आप नेट चला रहे हैं, मतलब कि आप अगर यूट्यूब चला रहे हैं या अमेजोन चला रहे हैं या वीडियो चला रहे हैं या नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, उसमें ये वाला ब्राइटनेस वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सेटअप बॉक्स के द्वारा जब चैनल देख रहे हैं उसमें जाके फिर आपका ये ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन है वे आएगा। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके जो मेरा सिंको टीवी पार्ट 2 करके एक मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इसको बताया था कि आपको ब्राइटनेस वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा, वो एक बुक आइकन होगा रिमोट में, वहीं से आपको पूरा वो सेट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपको भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है पृथ्वीराज जी ने, इन्होंने ये पूछा है कि 65 इंच का सिंको टीवी अवेलेबल है, तो अभी तक तो कोई कंपनी की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई न्यूज़ आई नहीं है, जैसे कोई न्यूज़ या अपडेट आता है मैं पक्का अपने इस हिंदी टेक्वर्ल्ड चैनल के द्वारा बताऊंगा कि इसकी 65 इंच की जो टीवी है वह कब लॉन्च होगी। अगला कमेंट किया है वेंकट राज जी ने, मैंने एक जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि हम ई शेयर ऐप के द्वारा सिंको टीवी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर इन्होंने लिखा है सर आई अप्रिशिएट फॉर यू एफर्ट्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आप लोग का प्यार है। ऐसे ऐसे जो हमारे दोस्त हैं वे हमको देते हैं बढ़ावा, उसी बढ़ावा से थोड़ा अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए, और आप लोग के जितने डाउट हो मेरी वीडियो से, मतलब कि पूरे ना सही कम से कम 50% तो डाउट आप लोग के क्लियर हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है प्रधान कुमार जी ने, इन्होंने पूछा है कि मीरा कास्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, तो मीरा कास्ट जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह इसमें काम करता है, मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया अपने फ़ोन के साथ, इसका भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, बस थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड इतनी सारी आ रही है, और प्लस मैं अभी जॉब जॉब भी करता हूँ, जॉब के साथ मैं थोड़ा बहुत ये वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, तो ऐसे थोड़ा मैं इसमें थोड़ा टाइम नहीं दे पाता हूँ वीडियो बनाने में, मैं रात को जब सब घर में सो जाते हैं तो उस समय मैं वीडियो बनाता हूँ आराम से। आई होप आप थोड़ा मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे, तो मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा मगर थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है राजीव कुमार जी ने पूछा है, ये लिखते हैं सर मेरे पास भी शिंको 49 इंच टीवी है, गुड टीवी बट यूट्यूब 4K वीडियो प्ले आफ्टर 2 मिनट, टीवी हैंगिंग प्रॉब्लम, नॉट वर्किंग फोर के यूट्यूब वीडियो सन बट हार्ड ड्राइव स्मूथली वर्क। सर मेरा टीवी में
ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपके टीवी में ब्राइटनेस कंट्रोल ऑप्शन आ रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग। तो राजीव जी, जो आपका पहला क्वेश्चन था वह था कि सर इसमें 4K वीडियो जो है वह प्ले, मतलब कि 2 मिनट प्ले होने के बाद रुक जा रहा। तो मैंने तो अपने टीवी में 4K वीडियो चलाया था और मैंने इसको बस ज़्यादा से 1 या 1.5 मिनट ही चलाया, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो आपको पता है कि मेरे पास BSNL का है, तो उसके स्पीड इतनी आती नहीं है और 4K वीडियो में क्या है लोडिंग लोडिंग होते रहता है, तो मैं इसको 4K वीडियो में चलाता ही नहीं हूँ। इसमें 720 और 1080 वाली जो पिक्सल जो वीडियो बिल्कुल स्मूथ और मक्खन की तरह चलती है, मगर 4K वीडियो में आपको नेट स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो इसका तो मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, मगर मैंने इसमें चलाया था 1 से 1.5 मिनट में कोई हैंग नहीं हुआ, थोड़ा लोडिंग में टाइम लिया। और जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें ब्राइटनेस लेवल नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए आपको आपको जो सेट टॉप बॉक्स वाले जो चैनल्स है उसमें जाके फिर आपके उसमें जो बुक आइकन होगा आपके रिमोट में होगा, उसको जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने आ जाएगा इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल करने वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, और एक्चुअली मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो मेरा शिंको टीवी Part 2 है। अगर आपने वे वीडियो विदाउट स्किप देखा होगा तो आपको ये डाउट उसी टाइम क्लियर होगा, मगर आपने शायद वो जो वीडियो वे स्किप करके देखा होगा, तो आप वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत लंबा होते जा रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये पूछा है बलविंदर जी ने, इन्होंने ये पूछा है कि डाइवा 55 इंच और शिंको 55 इंच में कुछ खास फ़र्क है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों में कुछ फ़र्क नहीं, बस लोगों का फ़र्क है। एक में डाइवा लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है शिंको। आप दोनों में से कोई से भी एक टीवी ले सकते हैं, मगर जो डाइवा है जो उसकी प्राइस करीब 3 से 4 हज़ार ज़्यादा है, जो शिंको है उसकी प्राइस 30,000 रुपये कम है। वे इसलिए क्योंकि जो शिंको है ये डाइवा का ही को ब्रांड है और इसने इसको केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल करा रखा है, और जो डाइवा है वे आपको ऑफलाइन में भी डाइवा आपको मिल जाएगी, इसलिए जो इसका प्राइस है वह 3,000 रुपये ज़्यादा है। तो मैं तो आपको यही करूँगा, प्रेफरेंस करूँगा आप 3 से 4 हज़ार रुपये बचाइए और जाके आप शिंको टीवी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जितने भी दोस्त हैं मैं जिनका इसमें कमेंट नहीं पढ़ पाया या उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो उनसे ये वादा करता हूँ कि मैं जो अपना नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूँगा उसमें पक्का उनके क्वेश्चन के आंसर, उनके कमेंट पक्का पढ़ूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आपको शिंको 55 इंच 4K टीवी आपको परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के वीडियो इतना ही, जल्द लौटूंगा इस वीडियो जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।